क्लास 6 जीके, राइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, दैट मीन्स कि इंडिया हैज़ अ गुड नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हमारे इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज, हेरिटेज दैट मीन्स धरोहर, क्या क्या धरोहर है इंडिया में, रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनेस्को। यूनेस्को एक ऐसी संस्था है, राइट, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है, राइट, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था एंड 1946 में इंडिया इसका मेंबर्स बना, इंडिया इसका यूनेस्को का मेंबर्स बना। तो इसका वर्क क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी हिस्टोरिकल है, मॉन्यूमेंट्स हैं, नेशंस है, नेशनल पार्क्स है, सारी चीज़ें हैं, तो उनको क्या करना, वर्ल्ड हेरिटेज बनाना, उनको इस हेरिटेज में लाना और उनको सेव करना, ये यूनाइटेड नेशन का वर्क है। तो ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है हमें इस चैप्टर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया विच आर मस्ट सी फॉर एवरी टूरिस्ट। हमारे हर टूरिस्ट लोग आते हैं इसको सी करते हैं, राइट। सो एवरी ईयर द नेशनल फ्लैग इज़ होस्टेड हियर द सेलिब्रेट इन द इंडिपेंडेंस डे। एवरी ईयर नेशनल फ्लैग जो होस्टेड, हॉस्टेड मतलब फ्लैग होस्टिंग होता है, झंडा रोहण जो होता है, सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंस डे को, तो कौन सा है, रेड फोर्ट, लाल किला है, वो क्या है आपका, राइट। देन इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, देर आर 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड। तो इन 7 वंडर्स में एक ए भी है ताजमहल, राइट, मेड बाई शाहजहाँ, जिसको शाहजहाँ ने बनाया था। सिचुएटेड कहाँ है, आगरा में, यूपी में, राइट। लाल किला ऑल्सो सिचुएटेड इन, कहाँ पे सिचुएटेड है आपका लाल, राइट। रेड फोर्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश है, न्यू दिल्ली में। लाल किला पूरा लाल पत्थरों से बना हुआ है। देन ताजमहल, इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। 7 वंडर्स, सातों जो वंडर्स है उसमें से क्या है, एक ताजमहल भी। वंडर्स मतलब आश्चर्यजनक चीज़ें जो कि एकदम अलग हो। देन इट इज़ लोकेटेड इन द सिटी विच वॉज द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर फॉर द शॉर्ट पीरियड। लोकेटेड सिचुएटेड वो सिटी जो कि कैपिटल ऑफ द मुगल जो डेंसिटी था उनका कैपिटल, उनकी राजधानी बनाई गई थी और बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, तो कौन सा, आगरा फोर्ट, आगरा का किला, जो कि कहाँ है, यूपी में है। इट इज़ वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट इन हैदराबाद। हैदराबाद का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है गोलकोंडा फोर्ट। द पेंटिंग ऑन द वॉल्स इलस्ट्रेट इवेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के लाइफ को जो पेंटिंग बताती है, राइट। अजंता केव्स जलगांव महाराष्ट्र में, अजंता केव्स जो कि जलगांव महाराष्ट्र में है, इसमें पूरा गौतम बुद्ध की पेंटिंग बनी हुई है वॉल्स पे, दीवालों पे। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर्स। पत्थरों को काट के आर्किटेक्ट बनाया गया, मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तो इट इज़ एलोरा केव्स, कौन सा है, एलोरा केव्स है कहाँ पर, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस फॉर बर्ड वॉचिंग इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी बर्ड हैं सब यहाँ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस ऑफ बर्ड वॉचिंग इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जितने भी बर्ड्स हैं सब यहाँ पे आते हैं, राइट। इस केवल देवला, मतलब केवल देवला एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे आते हैं, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। यहाँ पे साइरस, एक साइरस होता है, साइबेरियन साइरस, वो पक्षी भी यहाँ पे आता है, राइट। कि पहले इसको जो नाम था भरतपुर पक्षी विहार था, इसका पहले का नाम क्या था, भरतपुर पक्षी विहार, बाद में इसका नाम होगा केवल देवला राष्ट्रीय नेशनल पार्क हो गया, राइट। जो कि 1985 में इसको क्या कर गया था कि नेशनल हेरिटेज में ले लिया गया था, राष्ट्रीय धरोहर के रूप में ले लिया गया था, राइट। देन नेक्स्ट, इट इज़ द आइडियल हैबिटेट फॉर द वन हॉर्न रिहंसस। एक सिंग वाला जो गेंडा होता है, जिसको एक सिंग होती है नाक के पास, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, इसको भी 1985 में यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में ले लिया था। तो यहाँ पे एक सिंग वाला गेंडा पाया जाता है, मतलब कि जो अमेजिंग चीज़, अमेजिंग बर्ड्स पाई जाती है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर पाई जाती हैं उसको वर्ल्ड हेरिटेज में रखा जाता है, जो यूनेस्को वर्क करता है। द पेंटिंग इन दिस 600 केव्स आर अबाउट 9000 ईयर्स ओल्ड। द ओल्डेस्ट पेंटिंग इन द वर्ल्ड, सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग जो आदि मानव थे, जो मतलब अर्ली स्टेज में मानव थे, उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है, राइट। तो ये 40 किलोमीटर साउथ फ्रॉम भोपाल एमपी मध्य प्रदेश में, इसको भीम बेटका कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भीम बेटका केव, भीम बेटका गुफा होती है। गॉट इट।
देन ह्यूमेंस ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, ह्यूमेन ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, इन्वेंशन मतलब आविष्कार, ह्यूमेंस ने आज तक क्या महान आविष्कार किए, इन्वेंशन मेक आवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल। इन द अर्ली स्टेज हम लोग को मालूम है कि ह्यूमन बींग्स ने कुछ क्या इन्वेंशन किया था, फायर, स्टोन्स के इक्विपमेंट, वेपन्स, राइट, देन व्हील्स किया, देयर आफ्टर डे बाई डे उसने अपने लाइफ को चेंजेस किया। बट आज नाउ डेज आप देख रहे हैं ईजी एंड कम्फर्टेबल चीज़ें आ रही हैं, लाइट हो गए, फैंस हो गए, फ्रीज हो गए, एसी हो गए, कूलर हो गए, इससे हमारी लाइफ ईजी हो गई है। आज हमें कहीं जाना होता है तो हम लोग बाइक्स पे चले जाते हैं, पहले लोग कैसे जाते थे, या तो बुलक कार से जाते थे या तो पैदल जाते थे लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस। कोई मैसेज कैरी करना हुआ तो हम लोगों को वहाँ जाके हॉर्सेस पे जाके ले जाना पड़ता था, बट आज SMS है, व्हाट्सएप है, सारी चीज़ें, तो दे हेल्प अस बिल्ड एंड रिपेयर थिंग्स। वो जो चीज़ों को बिल्ड और रिपेयर करता है, राइट, दैट इज़ टूल्स। टूल्स होते हैं जैसे स्क्रू ड्राइवर, राइट, पेचकस हो गया आपके, राइट, ये सारी चीज़ें हो गई, द ड्रिल मशीन हो गया। द इन्वेंशन मेड द प्रिंटिंग ऑफ बुक्स ईजियर एंड फास्टर, इट इज़ ऑल्सो हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन फास्टर। आज आप देखते हैं कि आपकी बुक्स है, ये बुक्स एक एक पेज हम प्रिंट आउट से निकाल तो सकते हैं, लेकिन एक साथ कई पेजेस जल्दी निकालने हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है, प्रिंटिंग प्रेस की। आपकी सारी बुक्स प्रिंटिंग प्रेस में छप के आती है और बाइंडिंग होके मिलती है। दे हेल्प अस इन सेविंग लाइव्स, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस एंड क्यूरिंग सर्वल डिजीज। आज आप देख रहे हैं कि लाइफ को सेव करने के लिए काफ़ी मेडिसिन आती है, तो कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन आती है जो कि रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देती है, उसको इन्फेक्शन को आगे बढ़ने नहीं देती। दिस मेक पॉसिबल फॉर अस टू वर्क एट नाइट, इट इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी एंड इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। प्रोडक्टिव मतलब किसी काम के करने की क्षमता को बढ़ा देना या किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की क्षमता बढ़ा देना, इन्हेंस मतलब बनाना, क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे लाइफ की क्वालिटी भी बढ़ती जा रही है। तो लाइट की वजह से बल्ब, आज लाइट है, डे में सन लाइट है, नाइट में कौन सी लाइट से यूज़ करते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, तो दैट इज़ इलेक्ट्रिक बल्ब। दिस हैज़ बीन रेगुलरली यूज इन नियरली ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम एनिशियंट कार्स टू मॉडर्न जेट लाइनर्स। आज हवाई जहाज से लेकर बुलक कार्ट में व्हील जो लगा है वो क्या इन्वेंशन है, व्हील का। इट हैज़ अ ट्रांसपोर्ट द वर्ल्ड, इट प्रोवाइड्स ईजी एसेस टू इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एनी टाइम। आज आप किसी के पास भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हो तुरंत और ले सकते हो बाय द वे ऑफ इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, वीडियो चैट कर सकते हो, ऑल थिंग्स। दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इवर, इट इज़ ओनली मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, शेयरिंग ऑफ थॉट एंड इमोशन विद अदर ह्यूमन। आज हम अपनी फीलिंग्स एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो क्या है, लैंग्वेजेस। आज लैंग्वेजेस आ गए बहुत टाइप्स के। देन यूनिक एनिमल्स, यूनिक मतलब अलग, कुछ अलग एनिमल्स, सेम एनिमल्स आर यूनिक ड्यू टू यूनिक फीचर्स, वो सबसे अलग है, यूनिक मतलब सबसे अलग अपने फीचर्स के वजह से। द ओनली बर्ड विच हंट सेंस ऑफ स्मेल, कीवी। कीवी एक ऐसा बर्ड है जो कि स्मेल करता है, स्मेल करके अपने चीज़ को हंट करता है, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादातर तो जो कीवी होता है वो कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में, राइट, और वो उड़ता नहीं है, वो कभी उड़ता नहीं है, उसका जो वेट होता है 1.5 kg से लेकर 3.5 kg तक होता है, और वो रात में क्यू 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 की आवाज़ निकालते हैं, दैट्स वाई उनका नाम क्या पड़ गया, क्यूवी। और पाया कहाँ जाता है, न्यूजीलैंड का जो एनवायरनमेंट है या जो वहाँ का एटमॉस्फियर है उसके हिसाब से सिर्फ वहीं पा सकता है और कहीं नहीं मिलता है, राइट। देन डे में वो सिर्फ 2 feet तक और नाइट में 6 feet तक ही देख सकता है, उसकी विजिबिलिटी, देखने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए क्या करता है, अपनी चीज़ों को स्मेल करता है और उससे हंट करता है। तो कौन सा है, द ओनली बर्ड विच हंट्स द सेंस ऑफ स्मेल, कीवी। द ओनली डॉग दैट कैन नॉट बार्क, ऐसा डॉग जो भौंक नहीं सकता है, राइट, दिस इज बेसेंजी। द ओनली फिश दैट कैन ब्लिंक बोथ द आइज, ओनली फिश दैट कैन ब्लिंक बोथ द आइज, मतलब प्लग झपकाना दोनों जो है, द ओनली फिश दैट कैन ब्लिंक बोथ द आइज, अपनी दोनों आँखों की पलकें ऐसे झपका सकते, दैट इज शार्क। द ओनली डॉग विद ब्लू टंग, ऐसा डॉग जिसकी टंग, जिसकी जीप क्या है, ब्लू है, तो चाव चाव। द ओनली बर्ड विच कैन रोटेट इज हेड टू 270 feet degree, आउल। आउल मतलब उल्लू, पता है ना, रात में भी देख सकता है, तो अपनी जो गर्दन है, जैसे हम अपनी गर्दन पूरा घुमा सकते हैं, नहीं गोल गोल, लेकिन वो अपनी गर्दन को 270 degrees तक घुमा सकता है, पूरा राउंड नहीं बट
अप्रॉक्सीमेटली राउंड हो जाता है। द ओनली मैमल दैट कैन नॉट मूव वॉक बैकवर्ड, ऐसा जो कि बैकवर्ड पीछे नहीं आ सकता ना पीछे घूम सकता है, कंगारूज। कंगारूज कहाँ पाए जाते हैं आपको मालूम है? ऑस्ट्रेलिया में, और वो एक वेजिटेरियन, घास फूस यही सब खा के रहता है, राइट। और वो कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है, और वो 32 किलोमीटर प्रति आवर्स प्रति घंटे से भागता है, और 15 फीट तक कूद सकता है, राइट। और इसका सबसे बड़ी खासियत है कि कहाँ रहता है वो, ग्रुप में रहता है। कहाँ पे रहता है? ग्रुप में। देन द ओनली एनिमल हुज ईयर्स आर लोकेटेड ऑन द फ्रंट लेग्स जस्ट बिलो द नी। अब ऐसा क्रिकेट जिसको झिंगूर कहते हैं, उसका जो ईयर्स है उसके पाँव के आगे, राइट, फ्रंट ऑफ द लेग। द एनिमल्स हैज प्रोटीन इन द ब्लड दैट एक्ट लाइक एंटी फ्रीजिंग एंड प्रिवेंट द फिश फ्रीजिंग इन एनी ICC। जो अब उसका ब्लड फ्रीज होने के बाद भी उसमें ऑक्सीजन आते रहता है, तो अंटार्कटिका फिश, अंटार्कटिका नियोड फिश, अंटार्कटिका नोटो नियोड फिश हो गया, राइट। देन नेक्स्ट आते हम लोग एक्रोनम्स। एक्रोनम्स मतलब कि जो शॉर्ट वर्ड्स है वो IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? हाँ, IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस। जब आप UPSC या IAS बनने जाते हैं तो आपको IFS का भी ऑप्शन आता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, दूसरे कंट्री में सर्विस करने के लिए होता है। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है? जब किसी देश में कोई आपदा आती है या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये पूरे बड़े बड़े नेशंस मिल के पैसे रहते उसमें इकट्ठा करते हैं, वही दिया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा। EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। जैसे आप कुछ गाड़ी लेने गए या जगह लेते हैं तो आपको बैंक से लोन लेते तो उसको EMI बनाया जाता है, इक्वली डिवाइड किया जाता है कि कितने ईयर्स के लिए चाहिए, कितने सालों के लिए, तो उसको EMI, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड कर दिया जाता है, इक्वली इंस्टॉलमेंट। AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनेंस डिफिशेंसी सिंड्रोम्स, एक बीमारी है एड्स, राइट। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस एम्स, ये जो है बहुत बड़ा, बोलते हैं ना दवा के लिए या सर्जरी के लिए या डॉक्टर की पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट। AVSM, एंटी विशिष्ट सेवा मंडल, अंडर विशिष्ट सेवा मंडल, अति विशिष्ट सेवा मंडल है। CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस मेडल, सेंट्रल इंटेलिजेंस मेडल करके है। देन DDT, डिकोला डिफेशन ट्रिक्लोरथैन, राइट। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ECG, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो आपके हार्ट का जो होता है उसके लिए ECG किया जाता है। LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, जो आपका गैस होता है सिलेंडर, उसमें गैस को जो प्रेस करके भर देते तो लिक्विड बन जाता है, लेकिन जब उसको थोड़ा सा बाहर आने का मांगता है तो फिर वो एयर टाइप हो जाता है, उसी को बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हमारा सिलेंडर होता है उसमें LPG होता है। MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, जो मेडिसिन में भी बैचलर किया हो और सर्जरी ऑपरेशन में भी। NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो लेकिन वर्क गवर्नमेंट के जैसा करता हो। CAT, कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट। कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसा होता है कि आपको डॉक्टर्स बनना है, इंजीनियर्स बनना है, तो CAT देना होता है, इसी को कहा जाता है कैरियर एप्टीट्यूड टेस्ट। नाउ फ्लोक डांसेस। देर आर टू मेन ब्रांचेज ऑफ इंडियन डांसेस, नेमली क्लासिकल एंड फ्लोक। क्लासिकल और फ्लोक दो तरह के डांसेस होते हैं। क्लासिकल डांसर आर दोज आर बेस्ड ऑन एनिशियन डांसेस। क्लासिकल डांस वो होता है जो बहुत पहले से आ रहा है, राइट, एक रूल्स और एक पैटर्न से बना। फ्लोक डांस है वेरियस पैटर्न्स। फ्लोक डांस कई पैटर्न्स के होते हैं, लेकिन जैसे कथक हो गया, राइट, ये सारी चीज़ें हो गई तो एक पैटर्न से किया जाता है क्लासिकल डांस। तो गुजरात का जो है डांस क्या है? डांडिया रास। पंजाब का क्या है? गिद्दा। उत्तर प्रदेश का क्या है? कजरी। असम का क्या है? बिहू। वेस्ट बंगाल का क्या है? छाऊ। हरियाणा का क्या है? स्वांग। मध्य प्रदेश का ज्वारा। केरला का मुदियथा रास, मुदियथा रास। मणिपुर का मणिपुरी। हिमाचल प्रदेश का किन्नौरी नाटी। ओडिशा का जत्रा। बिहार का विदेशिया। राजस्थान का घूमर। मिजोरम का चिरऊ एंड तमिलनाडु का कुमी। ये आपके क्या है? वहाँ के डांसेस है। वेरी ओलोलॉजी। द ग्रीक वर्ड ओलोलॉजी मीन्स ब्रांचेज ऑफ नॉलेज और साइंस। साइंस के जो नॉलेज को रखता है, जो साइंस की तरह से सारी चीज़ों को
साइकोलॉजी, साइकोलॉजी आपका क्या होता है, नेचर फंक्शन फिनोमेना ऑफ द ह्यूमन माइंड, हमारे माइंड, ह्यूमन का माइंड कैसा होता है, ह्यूमन की सारी चीज़ें कैसी होती है, ये सारी चीज़ें जो है आपको विज्ञान। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान, जो कीटकों का विज्ञान होता है उसको क्या कहता है, एंटोमोलॉजी। इसमें आपको इंसेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, इंसेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी, दैट इज इकोलॉजी मतलब पर्यावरण विज्ञान, पर्यावरण का जो विज्ञान होता है उसको क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद वन अनदर एंड विद देयर सराउंडिंग, उसके आसपास की सारी चीज़ों के लिए किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या होता है, एंथ्रोलॉजी मानव विज्ञान, जो कि ह्यूमन से रिलेटेड सारे चीज़ों की जानकारी, मैनकाइंड द कस्टम्स एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। देन इथकोलॉजी, दैट मीन्स मत्स्य विज्ञान, जो फिश से होता है, राइट, उससे इथकोलॉजी, दैट मीन्स आप में आ जाता है कि फिशेज से रिलेटेड। ऑर्निथियोलॉजी, ऑर्निथियोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान, रिलेटेड टू बर्ड्स, जो कि बर्ड्स से रिलेशन रखता है। इथोलॉजी, व्यवहार का विज्ञान, हमारा इथोलॉजी जो होता है वो होता है एनिमल बिहेवियर, जो बिहेवियर होता है एनिमल का या ह्यूमन बींग्स का, ये सारी चीज़ों का जो कराता है उसको क्या कहा जाता है आपका, इथोलॉजी। देन बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जो कि आपका मैनकाइंड से रिलेटेड है। बायोलॉजी, दैट मींस लिविंग ऑब्जेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स के नॉलेज को जो बताता है, दैट इज़ आपका क्या हो जाता है, बायोलॉजी। जियोलॉजी, भूविज्ञान, जो ज़मीन के अंदर क्या है क्या नहीं है जिसके किया जाता है, दैट इज़ आपका हो जाता है जियोलॉजी। अर्थ एंड इट्स कंपोजिशन। मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी मतलब वेदर, मेट्रोलॉजी मतलब वेदर, जो वेदर की सारी चीज़ों को बताता हो। देन वेदर एंड फेनोमेना रिलेटिंग। न्यूट्रोलॉजी, न्यूट्रोलॉजी तंत्रिका विज्ञान, जो आपके बॉडी से रिलेटेड होता है उसको कहा जाता है न्यूट्रोलॉजी, नर्वस सिस्टम से। डेंड्रोलॉजी, वृक्ष का विज्ञान, ट्वेल्थ वन, ट्रीज से रिलेटेड। आर्कोलॉजी, आर्कोलॉजी मतलब पुरानी चीज़ों के बारे में जो बताता है, दैट इज़ क्या है, स्ट्रीम टूर, हाइएस्ट माउंटेन, माउंट एवरेस्ट, जो हमारे स्ट्रीम टूर है, जहाँ टूर कर सकते, घूमने जा सकते, तो इसमें चीज़ें दी गई हैं, लार्जेस्ट, हाइएस्ट, लॉन्गेस्ट एंड कोल्डेस्ट। तो हाइएस्ट माउंटेन क्या है, माउंट एवरेस्ट। देन डीपेस्ट पॉइंट क्या है, मरीना ट्रेंच। कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, अंटार्कटिका। लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल रिवर, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्या है, नाइल रिवर। लोवेस्ट रिवर, जॉर्डन रिवर, लोवेस्ट रिवर जॉर्डन रिवर। देन लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक, कैस्पियन सी। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आपकी कौन सी हो जाएगी, लेक सुपीरियर। एट हाइएस्ट वाटरफॉल, दैट इज एंजल फॉल्स। लार्जेस्ट ओशियन, पैसिफिक ओशियन। हाइएस्ट लेक, लेक हाइएस्ट जो लेक होती है, सबसे बड़ी जो लेक है आपकी, वो हो जाती है लेक ऑफ ओजो डेल सेल्डो। देन लार्जेस्ट रिवर, अमेजन रिवर। लार्जेस्ट आइलैंड, ग्रीनलैंड। डीपेस्ट लेक, लाइक बैकाल, लेक बैकाल। लार्जेस्ट डेजर्ट क्या हो गया, वर्ल्ड में लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट। एंड क्रिकेटोलॉजी, लास्ट क्रिकेटोलॉजी, आप क्रिकेट के बारे में क्या जानते हैं। फॉर मेन एंथुसियास्टिक क्रिकेट टुडे इज़ अ वे ऑफ लाइफ, आप क्रिकेट हमारे वे ऑफ द लाइफ हो गया, आज हमारी लाइफ में क्रिकेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। देन अ बैट्समैन आउट इफ द बॉल हिट्स द विकेट एंड डिसलॉजेस द बेल वेदर द बॉल हैज़ कम ऑफ हिज बैट और बॉडी, अगर उसके बॉडी और बैट्स के बजाय जाके स्टम्प पे लग जाता है, तो दैट इज बोल्ड, जब स्टम्प्स बिखर जाते हैं। रन्स स्कोर व्हेन द बॉल पासिस द विकेट अनटच्ड बाय द बैट और पर्सन, द बैट्समैन रन बॉल क्रॉसेस द बाउंड्री बाई, क्या होता है कि ना बैट्समैन को लगता है ना कोई पकड़ पाता है, सीधे और बाउंड्री के पास गए, जब बॉलर फेंकता है और विकेट कीपर से भी छूट जाता है, बैट्समैन का कोई बॉडी पार्ट या बैट टच नहीं होता, वो कौन सा रन होता है, बाई। अब बैट्समैन इज आउट इफ द टच इज द बॉल विद द हैंड वाइल इट्स प्ले, जब वो खेल रहा है लेकिन उसके बैट को ना रख के उसके नी के नीचे के पार्ट को लग गया, तो भी वो हैंडल्ड बॉल कहलाता है, क्या कहलाता है, हैंडल्ड बॉल विकेट। अ बैट्समैन आउट ऑफ हिट्स बॉल ट्वाइस, अगर बैट्समैन बॉल को दो बार मार देता है तो हिट द बॉल ट्वाइस करके उसको आउट दे दिया जाता है। अ थ्रो फ्रॉम फील्डर्स द ट्रेवर्स पास द विकेट कीपर और द फील्डर्स एंड अदर ऑफ स्टंप्स अलाउज द बैट्समैन फर्दर रन्स। थ्रो फेंका, गेंद को फेंका, गेंद स्टंप पे नहीं लगी,
बैट्समैन रन ले रहा है, नहीं लगी और विकेट कीपर से छूट गई, फील्डर से छूट गई, तो क्या होता है, ओवर थ्रो। अब मेथड ऑफ डिलीवरी इन विच द बॉलर डिलीवर्स द बॉल विद द हैंड नियरर द स्टेम्स ओवर द विकेट। जब बैट्समैन बॉल फेंक रहा है लेकिन उसका हाथ कहाँ से चला जा रहा है, स्टेम्स के ऊपर से। एन ओवर इन विच नो रन्स आर स्कोर्ड, एक ओवर ऐसा जिसमें एक भी रन आया, दैट इज मेड एन ओवर। रन्स स्कोर्ड एज स्ट्राइक्स व्हेन द बॉल गोज ऑफ एंड पार्ट ऑफ अ बैट्समैन एक्सेप्ट हिज हैंड्स और बैट बट ओनली व्हेन द प्लेइंग स्ट्रोक। वो स्ट्रोक खेल रहा है लेकिन बैट को ना लग के उसके बॉडी पार्ट को लग जाए तो लेग बाई होता है। अ बॉलर डिसमिसेस थ्री बैट्समैन विद द कंसेक्यूटिव डिलीवरीज आइदर इन द सेम ओवर और द एंड ऑफ द वन एंड द बिगनिंग ऑफ द अदर। जैसे कि किसी ने तीन बॉल पे कंटिन्यू विकेट लिया, राइट, लेकिन अभी फर्स्ट बॉल लास्ट बॉल पे लिया और नेक्स्ट ओवर के दोनों फर्स्ट सेकंड बॉल पे लिया तो भी हैट्रिक होगा, या तो लास्ट टू बॉल्स पे लिया और नेक्स्ट ओवर के फर्स्ट बॉल पे लिया, दैट इज हैट्रिक। देन अ मैच इन विच नो डिसीजन इज रिच, कोई ऐसा मैच जहाँ पे कोई डिसीजन ही नहीं आता है, राइट, कि मैच कौन जीता कौन हारा, राइट।